भाई लोग नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं? और आप लोग बता दें कि खेसारी लाल यादव ने गजब का रिलाई की है पवन सिंह का। शायद ऐसा कभी रिलाई पवन सिंह का कभी नहीं किए थे खेसारी लाल यादव। दोस्तों, यहाँ स्टेज शो था कल बॉक्सर में अखिलेश कश्यप के घर। अखिलेश कश्यप पहले से ही विवादित राइटर हैं और विवाद ऐसा कर दिए खेसारी लाल यादव जी उनके द्वार पे से भरे मंच पे ऐसा रिलाई किए हैं कि शायद कभी नहीं पवन सिंह का इतना बेइज्जती किए होंगे खेसारी लाल यादव अपने मुंह से, जितना कल उनको निंदनीय बात बोले हैं। आप लोग बता दें, फिलहाल में एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव जी ने क्या गलती से ने या जानबूझ के मजाक में उन्होंने अंकल बोल दिया था कि वो लड़कियों के साथ अब काम करते तो अंकल लगते हैं, उस बात को लेकर पवन सिंह बहुत हंस हंस के आ खूब दांत चियार चियार कर स्टेज पर से गा रहे हैं कि अरे वो तो अब के फायदा ले लेगा, बजाओ सोहर। और सोहर गाने वाले का ऐसा रिप्लाई दिए हैं कि शायद पवन सिंह अब दोबारा सोहर ही गाने के लिए हर जगह उन लोगों को बुलाएंगे। लेकिन हर सिंगर तो सोहर गाने से इसका मतलब हिजरा छक्का तो नहीं हो गया? बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब भी बताया है, आप लोग देखे भी होंगे। खेसारी लाल यादव ने खुलेआम चुनौती किए हैं कि अगर हिम्मत है तो आप अपने घर पर ना शोहर बजाइए, दूसरे का शोहर क्यों बजाना चाहते हैं? आप हमको बुलाइए, हम आपके घर आएंगे शोहर गाने के लिए। आपसे तो एक चलता नहीं है तो कैसे करेगा? मतलब बहुत गंदा गंदा बातों से उनको लपेटे हैं और घसीटे हैं। तो यही है खेसारी लाल यादव जी से उंगली उंगली करने का फायदा। पवन सिंह के जितने भी देखने वाले लोग हैं उन लोगों को खास कर स्पेशल बता दें, जो उंगली खेसारी लाल यादव किए थे उसका रिप्लाई सोहर में दिए, लेकिन कल का स्टेज शो में जो उंगली किए हैं वो उसका रिप्लाई पवन सिंह कब देंगे इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि पवन सिंह के पास वैसा जवाब ही नहीं है जो खेसारी लाल यादव जी का रिप्लाई दे सके। क्योंकि किसी भी को एक बच्चा पैदा करने में हालत ख़राब हो जाएगा, ये दाल भात के कौन नहीं है जो खेसारी लाल यादव को टारगेट लेकर पवन सिंह से तुलना करने लगते हो तुम लोग। और यही हकीकत है जो खेसारी लाल यादव बोले हैं, दम है तो वो ना करो, काहे एक ना 50 100 करते हो, टाइम पास करते हैं। ये है खेसारी लाल यादव जी का गजब रिलाई करने का। बहुत अच्छा लगा, जितने भी खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हैं वो सब लोग ताली बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शायद यह जरूरी था, ताकि उनको भी थोड़ा हम हो गया था इस बात को लेकर, उस हम को ठंडा करने के लिए खेसारी लाल यादव ने ये जबरदस्त रिलाई किया है और खुला चैलेंज के साथ। शायद यह बात कभी दिमाग से हटेगा नहीं है पवन सिंह का, और पवन सिंह बार बार इस क्लिप को देखेंगे और वीडियो को देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का नया नया खेसारी लाल यादव जी के साथ जुड़ा हुआ वीडियो एनी टाइम मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक नमस्कार साथियों।